खट्टर को रिजाइन देना चाहिए। खट्टर जी के बस की नहीं है, बस की नहीं है, उन्हें तो बोझ की तरह ढो रहे हैं हम लोग। और केंद्र सरकार अमित शाह से मैं कहना चाहूंगा, खट्टर को हटा दो अब, खट्टर जी के बस की नहीं है। बुलडोजर चलाने का मतलब ये है कि पूरा उड़ा दो, इनको समझाओ कि गंगा हिंदू कट्टर हिंदू आप नहीं जानते। नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा दोस्त है कट्टर हिंदू नाम है। गुड्डू मुस्लिम क्या होता है? गुड्डू मुस्लिम नाम है। एक अतीत का गुर्गा था, उसका नाम गुड्डू मुस्लिम क्यों था? क्यों मुस्लिम समाज से तो ऐसी हिंदू है। कट्टर मुस्लिम नहीं है ना, सिर्फ मुस्लिम। मतलब मुस्लिम सरनेम लगा कट्टर क्या होता है? कट्टर मतलब ये होता है कि राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त क्या? अपने धर्म के भक्त। हम अपने धर्म के भक्त के साथ राष्ट्रभक्त हैं। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। सबको भी मत छोड़ो वहाँ पे। अगर उन्हें पालोगे तो सांप की तरह निकलेंगे और फिर डंक मारेंगे। सारे उड़ा दो जितने ये हैं, इनका घर बुलडोजर से उड़ा के इनको जमीन में रहने के लिए मजबूर कर दो कि इनकी आने वाली नस्लें सोचे कि दंगा क्या होता है, दंगा ना करे। इसलिए नमस्कार, मैं हिमांशु। और इस तरीके से निहू में हिंसा पड़ की, उसके बाद से ही बिट्टू बजरंगी पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ये जो पूरी घटना है ये उन्हीं की वजह से हुई है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एक एक्टिविस्ट मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रवि दुबे। रवि दुबे जी, बिट्टू बजरंगी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हीं की वजह से ये पूरी जो हिंसा है वो हुई थी। कौन कह रहा था ये बात? ये लोग कह रहे थे सर, सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा था, पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बिट्टू बजरंगी को इन्होंने अरेस्ट किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कोई सबूत हो तो उसे मीडिया के सामने रखना। वीडियो है सर, जो पहले वीडियो वायरल। वीडियो तो ऐसे तो बथेरे वीडियो बने थे मेवात में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। पर कोशिश शुरुआत तो की। शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? शुरुआत वहाँ से कर रहे हो जिसकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप उसे गलत साबित करना चाह रहे हो जिसकी कोई गलती नहीं है। बिट्टू पूरा की पूरा वीडियो बनाते हैं और उसके बाद आप लोग कहते हैं कोई गलती नहीं है, ऐसा आखिर कैसे? देखिए, वीडियो बनाना आप कह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ मेवात में इतनी वीडियो तो आपको दिखा दूंगा ना, इतनी वीडियो दिखा दूंगा ना कि आपके पास सबूतों की कमी नहीं होगी मेरे पास। लेकिन सरकार या जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का साथ दे रहे। पर सर, सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी क्यों नहीं पकड़ लेती है? मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, पुलिस उनके अंतर्गत है, बीजेपी के हाथ किसने बांधे हैं? यही तो नहीं समझ पा रहा हूं मैं, बीजेपी का हाथ कौन बांध रहा है? आज वही बीजेपी जिस बीजेपी को हम हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया, आज वही बीजेपी हमारे खिलाफ खड़ी है। क्यों खड़ी है पता है? इसका एक कारण है। आप लोग बीजेपी आपके खिलाफ खड़ी है? हमारे खिलाफ नहीं, हमारे जो साथ के बिट्टू भाई हैं या जो तमाम हमारे देशभक्त कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ खट्टर सरकार को खड़ा किसने किया पता आपको? किसने खड़ा किया? ये यूट्यूब चैनल वाले। इतना प्रोपोगंडा आप लोगों ने बना दिया, जैसे बिट्टू को एक आतंकवादी आप लोगों ने घोषित कर दिया, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है, वो एक ईमानदार शख्स है। वीडियो बनाने से पहले उन्हें ये बात नहीं सोचनी चाहिए थी क्या? देखिए, वीडियो तो मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत बहुत वीडियो दिखा दूंगा। एक तो था, वो देखा था, उसे तो आप लोग पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिए थे, है मेवाती, वो है मेवाती, लेकिन आप लोगों ने उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया। और यही के साथ जो हुआ वो सही था या गलत है? बहुत गलत था। अब सरकार को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? तुरंत उसे रिहा करना चाहिए, और जो मेवात में गुंडे बैठे पड़े हैं उसको जाके पकड़ के उनपे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए कि उनके आने वाली नस्लें सोचे कि ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग गए थे भाई साहब, हम लोग गए थे ब्रजमंडल यात्रा करने, और कहाँ कहाँ के लोग गए थे वहां पे? तो हम लोग गए थे मेवात के पास नू, वहां पे हर साल जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारी गाड़ियों को घेर लिया गया। हमारे एक दोस्त हैं विजय कट्टर हिंदू, उनके बच्चे पे, छोटा सा बच्चा है, उनके बच्चे पे जानलेवा हमला किया। लेकिन कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा दोस्त है कट्टर हिंदू नाम है। गुड्डू मुस्लिम क्या होता है? गुड्डू मुस्लिम नाम है। एक अतीत का गुर्गा था, उसका नाम गुड्डू मुस्लिम क्यों था? क्यों मुस्लिम समाज से है तो ऐसी हिंदू है। कट्टर मुस्लिम नहीं है ना, सिर्फ मुस्लिम। मतलब मुस्लिम सरनेम लगा कट्टर क्या होता है? कट्टर मतलब ये होता है कि राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त क्या? अपने धर्म के भक्त। हम अपने धर्म के भक्त के साथ राष्ट्रभक्त हैं। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है।
सनातन धर्म हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म है। पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा जाता है कि भारत का तो कोई धर्म ही नहीं होता है, धर्म निरपेक्षता। देखिए, जिसका धर्म नहीं होता ना वो हिजड़ा होता है, जिसका धर्म नहीं होता वो हिजड़ा होता है। इसलिए हर इंसान का धर्म होता है, हर देश का धर्म होता है, वैसे हमारे भारत हिंदुस्तान का धर्म है सनातन धर्म। अच्छा, निहू में लगातार अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, ये कार्यवाही क्या ठीक है? बहुत अच्छी है, थोड़ी कार्रवाई पे और जोर देनी चाहिए। हाँ। पूरा घर उड़ा देना चाहिए, एक को भी मत छोड़ो वहाँ पे। अगर उन्हें पालोगे तो सांप की तरह निकलेंगे और फिर डंक मारेंगे। सारा उड़ा दो जितने ये हैं, इनका घर बुलडोजर से उड़ा के इनको जमीन में रहने के लिए मजबूर कर दो कि इनकी आने वाली नस्लें सोचे कि दंगा क्या होता है, दंगा ना करे। इसलिए इन्हें सबक सिखाओ। और जो इन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला किया था मेवात के जो मुस्लिम थे, उनको सबक सिखाए खट्टर सरकार। और मेरे को तो लगता है खट्टर को रिजाइन देना चाहिए, खट्टर जी के बस की नहीं है, बस की नहीं है, उन्हें तो बोझ की तरह ढो रहे हैं हम लोग। और केंद्र सरकार अमित शाह से मैं कहना चाहूंगा खट्टर को हटा दो, अब खट्टर जी के बस की नहीं है। बुलडोजर चलाने का मतलब ये है कि पूरा उड़ा दो, इनको समझाओ कि दंगा करने वाले जैसे आज योगी बाबा, भाई साहब योगी के राज्य में चले जाओ यूपी में, दंगाई ने पैंट से मुंह देता है, दंगा नहीं करता है। उसे पता है कि दंगा करेंगे ना कि तो क्या करेंगे बाबा। आज हरियाणा की जो सरकार है उसी योगी मॉडल पे चल रही है, लेकिन जैसे योगी मॉडल लागू होना चाहिए हरियाणा में, उस तरीके से खट्टर जी नहीं कर पा रहे। आज जो बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया, बिट्टू बजरंगी की एक गलती बता दो, वीडियो आप बात कर रहे हो भाई साहब, मैं कई वीडियो दिखा दूंगा, बहुत वीडियो है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बिट्टू बजरंगी पे, क्योंकि वो बजरंग दल से जुड़ा है, एक हिंदूवादी नेता है, कार्यकर्ता है, राष्ट्र भावना लेकर चलता है, इसलिए उसे अरेस्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिये, कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति थे जिनसे हमने बातचीत की, ये सरकार को ही घेरते हुए नजर आए, प्रशासन को ही घेरते हुए नजर आए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और देखते रहें डबल।